सुजालपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी करने वाले दो आरोपियों से 10 किलो 780 ग्राम अफीम डोडा चूरा, जिसकी कीमत करीबन 60,000 रुपए है, बरामद की है। पुलिस अधीक्षक शाजापुर जगदीश डावर द्वारा लगातार क्षेत्र में सक्रिय अवैध मादक पदार्थ के धंधे करने वाले अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए जा रहे थे। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक TS बघेल, SDOP सुजालपुर दयाराम माले के निर्देशन में थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के धंधे करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु एवं कार्यवाही करने हेतु काला पीपल थाना प्रभारी रवि भंडारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। थाना काला पीपल पुलिस को दिनांक 22/3/2023 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति पंचमुखी चौराहे पर एक बैग में अफीम डोडा चुरा लिए खड़ा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर काला पीपल पुलिस द्वारा पंचमुखी चौराहे पर पहुंचकर देखा तो दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में खड़े हुए दिखे, जो पुलिस को देखकर हड़बड़ा कर भागने लगे, जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा गया। सुजालपुर से ब्रज राठौर की रिपोर्ट। द्वारा सभी थाना प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा था कि थाना क्षेत्र में जो भी लोग अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना है और थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ पर पूर्णतः अंकुश लगाना है। इसी तारतम्य में काला पीपल पुलिस टीम द्वारा सूचना मिलने पर कि पंचमुखी चौराहे काला पीपल पर दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा लेकर खड़े हैं, पुलिस टीम तुरंत रवाना होकर तस्दीक करते दोनों व्यक्तियों के पास से 10 किलो के करीब मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया है और पुलिस रिमांड मांगा गया है। पुलिस रिमांड मिलने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।